बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, क्लास 4। ओके, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर नेम इज फैक्टर एंड मल्टीपल। व्हाट इट मीन बाय फैक्टर्स? आप तो सोचिए कि फैक्टर्स क्या है हमारे पास। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ। सिंपल, 2, 5, 7, दिस इज कॉल्ड फैक्टर एंड मल्टीपल। इसके जो आंसर आ गए तो 2, 5, 7, 10, तो ये हमारे पास मल्टीपल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन जब कॉपी वर्क है तो कॉपी वर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपी वर्क नोटबुक पर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिसिबल बाय डे। अच्छा जी, हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन दिए, हमें कहा गया है कि ये 2 पे डिवाइड होते हैं कि नहीं हो रहे। तो अब आप लोग सोचे कि हो रहे या नहीं हो रहे। तो अगर आप डिवाइड भी करें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डिवाइड कर सकते तो फोकस इन दिस वन लास्ट डिजिट। 2 की टेबल में 0 आते, आप सोच रहे हो इसके से मतलब 2, 5, 10 के साथ भी 0 आते, तो ये सारे 0 आ रहे हैं ना, तो आपने इस तरह करें। अगर नहीं तो इधर रफ वर्क में, रफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने क्या करें, 200 और इस पे 2 है, तो आप देखें 2, 1, 2। अब ये मान सके, अब क्या है किसी पर 0, 0, 0, 0, 0। अब ये 0, 0, 0, 0, तो ये हो रहे हैं, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो आपने यहाँ सोल्यूशन में क्या लिखने, आप सोल्यूशन में लिख रहे कि यस 200 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं तो ये भी सही है। अगर इतना भी आप लिखते ना तो ये भी सही है कि हाँ 200 तो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर 200 की जगह अगर ये होता 201 होता तो वो तो 2 की टेबल में नहीं आते ना, तो आप इधर इधर यस की जगह नो लिख लेते। ठीक है बेटी, अब मैं आपको वो भी बताती हूँ। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें कहा गया कि 4, 2, 7 कहते हैं कि ये आपके ये 2 पे डिवाइड हो सकते कि नहीं हो सकते। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले फोकस दिस वन लास्ट डिजिट, किस पे फोकस करना है, लास्ट डिजिट। 2 की टेबल में 7 आते हैं, सिंपल से बात, नहीं आ रहे आप डिवाइड भी कर दे क्या पता, इधर रफ वर्क में भी कर दे, आप देखे 4, 2, 7। अब हमारे पास 2, 4, 7, अब 2, 4, 7 डिवाइडेड बाय 2, अब देखे 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, अब 4 का तो बढ़ 2, 1, 2, अब 7 को तो है, अब 7 की टेबल 7 तो नहीं आ रहा, 7 रिमाइंडर है। अब 6 आते हैं तो हमने क्या लिखने, 9, 9, 2, 4, 7 इज अब हमारे पास क्या है, 9, 4, 2, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 7 तो नहीं आ रहे 2 के टेबल में, सिंपल सिर्फ आपने डिवाइड किया 7 नहीं आ रहे, तो ये तो हमारे पास डिविजिबल नहीं है। अगर इसके बाद अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आते हैं 3, इधर 2 की जगह 3 कर ले, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह आएंगे
वैल्यू हमें दिया गया है कि ये डिविजिबल है बाय 3, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने, सॉल्यूशन के बाद आपने प्रॉपर रफ वर्क, बेटा मैं बार बार कह रही हूँ कि रफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, रफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रफ वर्क में इसको सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास है। इस तरह के डिजिट हमें दिया गया है और हमें कहा है कि इसको डिवाइड कर, डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। तो आपने सिंपल फॉर्म में सबसे पहले डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड हो सकते हैं तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 2, अगर नहीं हो सकते तो आपने लिखना है कि नो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 6 to 4। हमें ये गिवन है, हमें कहा गया है कि ये डिविजिबल है बाय 2 3, तो आपको मैंने सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने हैं, सॉल्यूशन के बाद इसको रफ वर्क में करें। बेटा इसका एक और आसान तरीके, इनको आपको इसमें प्लस करें और फिर जो आंसर आते हैं वो टेबल में आ रहे कि नहीं, लेकिन उसमें कंफ्यूज बंदा हो ही जाते हैं, लेकिन जो ये तरीके ना इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। लेकिन अब क्या है, 6 to 4 डिवाइड बाय 3। अब इनको 3 के टेबल पे करें, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, अब किसको 2, 2 6 स्मॉल है तो हमने क्या करना है, 2 का इनको डालेंगे। अब 24 3 के टेबल में कब आते हैं, आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि उसमें 24 कब आते हैं, तो हमारे पास 3 8 आर क्या आते हैं, 3 8 आर 24। अब आप लोगों को ये देखिए, ये दो वैल्यू मैंने उतार दिए तो मैंने एक जीरो ऊपर लगा दिया, आपको नजर आ रहे हैं, तो आप देखिए ये हमारे पास सॉल्व हो गए ना, तो ये 6 2 4 3 के टेबल में आते क्यों नहीं, ये मैंने डिवाइड किए ना आपके सामने कर दिए, तो ये आ रहे कि नहीं आ रहे। अब हमारे पास ये देखिए, तो हाँ आपने ये लिखना जो आपको मैंने बताया, यस 6 2 4 is divisible by 3, ठीक है बेटे। इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, इस तरह अगर नो आए तो आपने नो लिखने, अगर मतलब नहीं हो सकते तो आपने नो लिखने, इस तरह 5 आगे आ रहे हैं, सेम इसी तरह यही मेथड है आप लोगों ने करना है, ठीक है बेटे।